हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज देखेंगे कि जो स्टैक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रैक्टिकल एग्जाम में वो किस किस तरह के थे। और देखिए क्वेश्चन एक जो पूछा गया था ना, देखिए स्टैक में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखिए स्टैक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि स्टैक क्या होता है। हालांकि सभी लोगों ने बताया था कि स्टैक क्या होता है, अगर एग्जामिनर ने पूछा था तो उस समय आप लोगों ने बताया भी था कि स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर? लीनियर लिखेंगे, ठीक है। तो स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो आपने बता दिया, ठीक है। तो ये देखिए स्टैक जो है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लगभग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको ये C++ में भी मिलेगा, ये आपको अन्य जगहों पर भी मिलेगा। तो स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। एम्प्टी एक स्टैक बनाते हैं, ए नाम से एक लिस्ट बना रहा हूं, लिस्ट एम्प्टी रहेगी। अच्छा, लिस्ट में कोई बाइंडिंग नहीं होती है कि आप यहीं तक जाएंगे, आप इसमें 10 नाम ऐड कराइए, 20 नाम ऐड कराइए, 50 नाम ऐड कराइए, 100 नाम ऐड कराइए, 500 ऐड कराइए, 1000 ऐड कराइए, जितना मन करे उतना कराइए। एम्प्टी छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ देने का मतलब ये है कि जितना चाहे उतना ऐड करा लो, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब यहां पर नामों को लेके आने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे ए डॉट पुश का यूज करेंगे, और पुश के लिए क्या लिखते हैं हम, ए डॉट अपेंड लिखते हैं। तो यहां पे देखिए ये अपेंड आ गया, और यहां पर क्या अपेंड करवाना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम अपेंड करवाना चाहते हैं राम, ठीक है। ये पहला नाम हमने दे दिया, अब इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करता हूं, यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अभी एक नाम हमने इसमें अपेंड करवाया है, इसमें और भी नाम हमें अपेंड करवाने हैं। आप चाहे तो सिंगल एटेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, यहां पर हमने डबल एटेड कॉमा ही यूज किया है, ठीक है। अब यहां पर राम को बना देते हैं श्याम, क्योंकि दूसरा नाम इसमें ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। सेट में डुप्लीकेट नहीं अलाउ है, लेकिन लिस्ट में अलाउड है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे श्याम, एक और नाम दे देते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो गया। तो अभी हमने तीन नाम इसमें अपेंड करवा दिया, यानी पुश करवा दिया। अब इसको अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो देखिए ना, ए को प्रिंट करवाएंगे तो इस लिस्ट के अंदर तीनों नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं पहले सेव करूंगा, तो यहाँ सेव ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, नीचे देखना पड़ेगा हमें, राम श्याम और मनोज, ये तीनों नाम इसमें अपेंड हो चुके हैं। चलिए अपेंड तो हमने करवा दिया, अब हमको यहां पर समझना ये है कि अपेंड तो हमने करवा दिया, अपेंड में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम अब करवाएंगे पॉप का यूज, यानी पॉप फंक्शन का यूज करवाएंगे। तो आपको करना क्या है, अंदर इसके कोई पैरामीटर नहीं पास करना है, ठीक है। अब ये क्या है पैरामीटर, तो यहां पे जैसे हम लिख देते हैं ना टू, ये टू आपको नहीं लिखना है, अंदर जो यहां पे आके टू लिखते हैं, वन लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, तो ये काम नहीं करना है हमें, ठीक है ना। इसको खाली छोड़ देना है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसको खाली छोड़िएगा, ठीक है। और यहां से आप देखिए कि फर्स्ट इन लास्ट आउट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, यहां से F5 करता हूं और एंटर करता हूं, तो देखिए यहां पर जो है राम और श्याम ही प्रिंट हुआ, यानी लास्ट वाला सेक्शन हट गया है, देख रहे हैं, ये लास्ट वाला मनोज हट गया है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे एक नाम और ऐड करा देता हूं, राकेश, ठीक है। तो एक नाम और ऐड करा दिया हमने, और यहां पे F5 किया। अब यहां पे अपेंड करवाया है राकेश को, तो यहां पे राकेश हट जाएगा क्योंकि यहां पॉप करा दिया, तो यहां पे इसको कमेंट कर देता हूं, तो ये देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, देखिए यहां पे राकेश ऐड हो चुका है। अब इसी तरीके से काम होगा, ठीक है ना। तो ये पुश और पॉप बिल्कुल ऐसे यूज होता है, इसके अलावा पीक भी होता है एक स्टैक के अंदर, ठीक है ना। और भी चीजें होती हैं, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करनी है हमें, अब फिर आगे के वीडियोस में बात करेंगे।